टन स्टडी, आई एम मिस्टर पीएन सिंह, माय क्वालिफिकेशन इज एमएस इन मैथमेटिक्स फ्रॉम एचडी जैन कॉलेज आरा। आई एम गोइंग टू टीच फिजिक्स ऑफ क्लास 9th। टुडे टॉपिक इज व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून। द टॉपिक इज What is the acceleration due to gravity of the moon? This topic is related to chapter gravitation. What is the acceleration due to gravity of the moon? This topic is related to chapter gravitation. The acceleration produced in a body due to the gravitational pull of the moon. The acceleration produced in a body due to the gravitational pull of the moon is called acceleration due to the gravity of the moon. It means that मून के फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के कारण किसी ऑब्जेक्ट को पुल करने की जो एबिलिटी कैपेसिटी होती है, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के कारण, ड्यू टू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून। मून के फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के कारण, ड्यू टू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, A body is attracted by the moon. This is known as acceleration due to gravity of the moon. The gravitational force acting on a body of mass m near the surface of the moon is given by The gravitational force acting on a body of mass m near the surface of the moon is given by We know that Kepler's law of planetary motion applied force between two heavenly bodies is equal to gravitational constant into mass of one body into mass of second body by square of distance between them. Hence, force is equal to gravitational constant into mass of a body into mass of the moon by square of radius of the moon. This is the first equation. Force is equal to gravitational constant into mass of body into mass of the moon by square of radius of the moon. This is the first equation. If gm is the acceleration produced in a body of mass m near the surface of the moon, if gm is the acceleration produced in a body of mass m near the surface of the moon, yadi ग्रेविटेशनल पुल के कारण किसी बॉडी में जो है
प्रोड्यूस एक्सेलरेशन जीएम हो तो इन दिस केस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इफ जीएम इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ऑफ मास एम नियर द सरफेस ऑफ द मून, मून के सतह के नजदीक किसी बॉडी जिसका मास एम है, यदि प्रोड्यूस एक्सेलरेशन जीएम हो तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इट मींस दैट फोर्स इज इक्वल टू एम जी एम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इंटू मास ऑफ बॉडी इंटू मास ऑफ द मून बाई स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द मून, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अ फोर्स इज इक्वल टू एम जी एम, फोर्स इज इक्वल टू एम जी एम। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट मास ऑफ बॉडी इंटू मास ऑफ मून बाई स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द मून इज इक्वल टू एम जी एम। एम एम कैंसिल, मास ऑफ बॉडी कैंसिल, हेंस जी एम इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इंटू मास ऑफ मून बाई रेडियस ऑफ स्क्वायर। सिंस द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ द मून 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22। रेडियस ऑफ द अर्थ 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 होल स्क्वायर। नाउ वी कैन गेट नेक्स्ट स्टेप 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 7.4 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू 10 टू द पावर 10। We can write 10 to the power 22, 10 to the power 12 into 10 to the power 10. 1.74 into 10 to the power 6 ka whole square, it means that 1.74 into 1.74 into 10 to the power 12. 10 to the power 12, 10 to the power 12 cancel, so we can get next step 6.67 into 7.4 into 10 to the power minus 1. 10 to the power 11 में से ये 10 to the power 10 subtract करेंगे, तो we will find 10 to the power minus 11 by 1.74 and multiply 1.74. We find after calculation the value of acceleration due to gravity of the moon is equal to 1.63 meter per second square. माने किसी object को जो है moon 1.63 मीटर, यदि किसी ऑब्जेक्ट को मून अट्रैक्ट करता है अपनी ओर पुल करता है
तो उस बॉडी में जो है पर सेकेंड 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है। जबकि यदि अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, तो उस केस में किसी बॉडी में जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है। चूंकि मून का मास जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में कम होता है, लेस होता है, जिसके चलते ग्रेविटी भी, एक्सेलरेशन भी मून का कम होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को मून अट्रैक्ट करता है, तो उस केस में उस बॉडी में 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। नाउ आई स्टॉप माय टीचिंग, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक। At last, I say you must subscribe and like Newton Study if you want to gain knowledge and complete your syllabus. I assure you that you will receive gain knowledge and complete your syllabus. Thank you.